सो व्हाट्सअप गाइज, अगर आप भी कुछ इसी टाइप की वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपका भाई यही बताने वाला है कि कैसे आप कुछ इस टाइप की वीडियो को एडिट करेंगे। और मैं 110% लिख के देता हूँ ना कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा वीडियो को एडिट कर लेंगे, जिसके अंदर आपका भाई क्या बताने वाला है कि कैसे आप अपने वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे आईफोन फिल्टर को अपने वीडियो के अंदर यूज करेंगे। साथ ही आपका भाई ये भी बताएगा कि कैसे आप अपने वीडियो के अंदर ब्लर इफेक्ट को ऐड करेंगे। और ये सारी चीजें आपका भाई ना बिल्कुल न्यू ऐप से बताने वाला है, तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइज, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो व्हाट्सअप गाइज, उस टाइप के वीडियो को एडिट करने के लिए सिंपल से आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा। यहाँ से इनशॉट ऐप को आप सिंपल से ओपन कर लीजिएगा और इस वाले ऐप को आप प्ले स्टोर से इजिली जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से गाइज आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, आपका भाई जो भी स्टेप बता रहा है ना केवल आप उसे फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो वाले आइकन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। और वीडियो वाले आइकन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं न्यू वाले पे यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे कि वीडियोज का एंड फोटोज का और यहाँ पे ऑल। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, वीडियो वाले सेक्शन में ऐसे आएंगे और हम लोग ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जिस भी वीडियो को हमें एडिट करना है ना उस वीडियो को आप लोग सिंपल से ऐसे यहां से सेलेक्ट करके और नीचे साइड में ग्रीन कलर का एक सही वाला आइकन मिलेगा तो इस पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही गाइस क्लिक कीजिएगा तो यहां पे इनशॉट ऐप के ना टाइमलाइन पे हम लोग का वीडियो आ जाएगा और यहां पे आप लोग देख सकते हैं। तो सिंपल से आप लोग को क्या करना होगा, जिस भी रेशियो में आप अपने वीडियो को एडिट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैसे करना चलिए आपका भाई बताता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में ना एक कैनवास का एक ऑप्शन मिलेगा तो इसमें हम लोग ऐसे क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे रेशियो देखने को मिल जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 9:16 का एक रेशियो है तो मैं इसे ऐसे यहाँ से सिलेक्ट करके और सिंपल मैं यहाँ से राइट क्लिक कर दूंगा। और ये सारा चीजें कर लेने के बाद आपकी पूरा वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एडिटिंग के लिए, यानी कि तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं छोटी सी एक बात को बताना चाहता हूँ आप लोग को, मैंने इस वाले वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में गाइज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पूरी वीडियो को कलर ग्रेडिंग करेंगे और दूसरे स्टेप में गाइज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियो को ना स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे और तीसरे स्टेप में भाई आपका ये बताएगा कि कैसे आप सेकी इफेक्ट को ऐड करेंगे। देन दोस्तों उसके बाद आपका भाई ये भी बताएगा कि कैसे ब्लर इफेक्ट को ऐड किया जाता है अपने वीडियो के अंदर। तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप आपका भाई बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो वाले लेयर पे ऐसे क्लिक करेंगे और कर लेने के बाद ऐसा हम लोग स्क्रॉल करके साइड में आएंगे और आने के बाद इसकी वैल्यूम के आइकन पे क्लिक करके इसकी वैल्यूम को हम लोग 0% करके और राइट क्लिक कर देंगे। देन दोस्तों इसके बाद आप लोग को क्या करना हो, अपनी वीडियो को कटिंग करना है, जो भी आपके वीडियो के अंदर फालतू पार्ट है उसे आपको काट कर निकालना है। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का वीडियो फालतू पार्ट है, यहाँ पे मैं देख सकते हैं किस टाइप से एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मैं सिंपल से क्या करूंगा, करना होगा यहाँ पे जहां से आपको अपनी वीडियो को काटना है वहां पे लेकर लाके रोक लीजिएगा और रोक लेने के बाद सिंपल से स्प्लिट के आइकन पे आप ऐसे क्लिक कर दीजिएगा और जिस भी पार्ट को आपको डिलीट करना उस पार्ट को ऐसे सिलेक्ट करके ऊपर साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक करके उसे डिलीट कर दीजिएगा। देन दोस्तों ये सारी काम कर लेने के बाद आपका केवल यहाँ पे फ्रेश वीडियो बचा है। तो चलिए पहले पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग करना। तो उसके लिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो वाले लेयर पे ऐसे क्लिक कर देंगे और कर लेने के बाद ऐसे स्टार्टिंग में हम लोग आएंगे और आने के बाद आप लोग के सामने एक फिल्टर का आइकन मिलेगा। तो फिल्टर के आइकन पे आप क्लिक कर दीजिएगा और आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे कि इफेक्ट, AI इफेक्ट और फिल्टर और एडजस्ट। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, एडजस्ट वाले आइकन पे ऐसे क्लिक कर देंगे और कर लेने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। तो यहाँ पे आपको वीडियो को अच्छे तरीके से देखना होगा तभी आप अपने वीडियो के अंदर कलर को ऐड कर पाएंगे। सिंपल से इसकी ब्राइटनेस की लाइटनेस की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करके प्लस साइड में +5 या 6 कर लेंगे, आप अपने वीडियो के हिसाब से कीजिएगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और मैं ऐसे आगे आऊंगा इसकी सैचुरेशन पे क्लिक करके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू भी इंक्रीज करके मैं यहाँ पे 10% कर लेता हूँ। देन दोस्तों थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करके साइड में आऊंगा और आने के बाद मेरे सामने एक ना HSL का ऑप्शन मिल जाएगा। देन दोस्तों इस पे आप सिंपल से ऐसे क्लिक कर दीजिएगा और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे। देख सकते हैं ये ह्यू वाला है और ये सैचुरेशन और ये ल्यूमिनस। तो हम लोग ह्यू वाले में आके और सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ से ना ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके और इसे पकड़ के हम लोग पूरा ऐसे घसीट के -100 कर देंगे और -100 कर लेने के बाद हम लोग का जो भी ग्रीन वाला पार्ट है वो येलो टोन में आ जाएगा।
गया। और क्या करेंगे यहाँ पे येलो कलर जो है ना, इसको हम लोग पकड़ के ऐसे थोड़ा सा ना ऊपर या नीचे करेंगे तो यहाँ पे कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो मुझे ग्रीन साइड में रखना है तो मैं ऊपर करके 42% कर देता हूँ। और क्या करूँगा, मैं सिंपल से यहाँ पे लूमिनस में चला जाऊँगा और लूमिनस में आने के बाद ऑरेंज कलर का जो होता है ना, इसकी जो लूमिनस जो होता है कलर की, इसकी लूमिनस की वैल्यू मैं इंक्रीज कर दूंगा। इंक्रीज कर लेने के बाद मैं सिंपल से यहाँ से राइट क्लिक कर दूंगा। और ये सारी सेटिंग गाइस जैसे ही आप कीजिएगा तो आपकी पूरी वीडियो ना कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग ऐसे आगे आइएगा और आगे आप लोग को आने के बाद ना यहाँ पे एक हाईलाइट का ऑप्शन मिलेगा, तो हाईलाइट पे आप लोग आ जाइएगा और इसकी हाईलाइट की वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ऐसे इंक्रीज कर लीजिएगा। और कर लेने के बाद सिंपल आप राइट क्लिक कर दीजिएगा और राइट क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे राइट अगेन क्लिक कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग गाइस जैसे ही आप कीजिएगा तो आपकी पूरी वीडियो के अंदर कुछ इस टाइप से कलर ऐड हो जाएगा। तो कलर तो गाइस हम लोग का ऐड हो चुका है। अब चलिए आपका भाई दूसरा स्टेप बताता है कि कैसे आप अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका आपका भाई बताने वाला है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल से गाइज हम लोग क्या करेंगे ना, अपनी वीडियो वाले लेयर पे ऐसे क्लिक कर देंगे और ऐसे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा। और जैसे ही गाइज आप स्क्रॉल कीजिएगा तो आप लोग के सामने एक स्पीड का आइकन देखने को मिलेगा, तो स्पीड वाले आइकन पे हम लोग सिंपल से क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे गाइज ना, तो हम लोग के सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला तो स्टैंडर्ड और दूसरा कर्व। और ये मैं आप लोग को दोनों समझाने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। स्टैंडर्ड का मतलब गाइज होता ना कि आप यहां से अपने या तो पूरी वीडियो को यहां से आप अपने स्लो कर सकते हैं, पूरी वीडियो आपका स्लो ही रहेगा अगर आप स्टैंडर्ड से अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन करते हैं। देख सकते हैं या तो पूरी वीडियो आप स्लोमो में कर सकते हैं, अगर इसे हम लोग बढ़ा देंगे तो आपकी पूरी वीडियो यहां से ना फास्ट मोशन में हो जाएगा। देख सकते हैं यहां से आपकी पूरी वीडियो फास्ट मोशन में हो जाएगा। तो सिंपल से गाइस आप लोग को क्या करना होगा, अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में दोनों करना चाहते हैं तो इसे आप लोग ऐसे पकड़ के यहां पे 1 पे कर दीजिएगा और सिंपली गाइस आप कर्व वाले आइकन पे ऐसे क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आप इंटरफेस देख के घबरा मत जाइएगा, आपका भाई एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बताएगा। सिंपल से गाइज अगर आप चाहते हैं ना प्रीसेट के सहारे आप अपनी वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में करना, तो सिंपल से आप लोग को कर्व के नीचे एक छोटा सा प्रीसेट का आइकन मिलेगा, तो इस पे आप लोग ऐसे क्लिक कर दीजिएगा और आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे ऊपर वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे चला के देखता हूं कि हम लोग का वीडियो देख सकते हैं। कुछ इस टाइप से 1 क्लिक में आप अपने वीडियो को स्लो एंड फास्ट मोशन में कर सकते हैं। लेकिन गाइज मुझे ना मैनुअल करना है, अपने हिसाब से करना है, तो उसके लिए मैं सिंपल से क्या करूंगा, यहाँ पे इसे रिसेट कर दूंगा। और रिसेट कर लेने के बाद अब यहाँ पे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, ऐसे कर्सर को पकड़ के लेकर आइएगा और देख सकते हैं पहले डॉट के बीच में हम लोग ऐसे एक से लेकर आएंगे। और आने के बाद यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्लस का आइकन मिलेगा ब्लू साइड का, तो इस पर मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा और अगेन इन दोनों के बीच में भी लेकर आऊंगा और ऐसे ब्लू कलर पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर दूंगा और मैं ऐसे करके सभी के बीच में ऐड कर लेता हूं। और कर लेने के बाद सिंपल से गाइस आप लोगों को ना एक पहला डॉट यहां पे जो है ना इसे छोड़ के दूसरे वाले डॉट को ऐसे पकड़ के नीचे लेकर चले आइएगा, फिर इस वाले डॉट को छोड़िएगा, फिर इसे भी ऐसे पकड़ के आप नीचे लेकर चले आइएगा और ऐसे सभी डॉट के साथ आप कर लीजिएगा। और कर लेने के बाद सिंपल से ना ये वाला जो ऊपर वाला डॉट है पहला, इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर कर देंगे। और ऊपर कर लेने के बाद अगर आपकी वीडियो ना अटक अटक के चलता स्लोमो करने के बाद, तो इसका भी सोल्यूशन आपका भाई लेकर आया है, तो इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। गाइस यहां पे कि स्मूथ का आइकन मिलेगा छोटा सा यहां पे स्टैंडर्ड के बगल में, तो इस पे आप लोग ऐसे टैप कर दीजिएगा। और टैप कर लेने के बाद सिंपल से गाइस आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, अब इस पे टैप कर लेने के बाद ना आपका वीडियो कहीं पर भी अटकेगा नहीं, बिल्कुल स्मूथ चलेगा। सिंपल से आप लोग राइट क्लिक कर दीजिएगा और राइट क्लिक कर लेने के बाद ये थोड़ा सा अप्लाई होगा वीडियो के अंदर, फिर हो जाने दीजिए, फिर आगे का प्रोसेस आप लोग का भाई आप लोग के साथ शेयर करता है। लीजिए गाइज हम लोग का अप्लाई तो हो चुका है, मैं वीडियो को यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से हम लोग का पूरी वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख सकते हैं हम लोग का वीडियो स्लो एंड फास्ट मोशन में दोनों हुआ है। तो सिंपल से गाइज इतना सारा काम कर लेने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, मेरे बाद आपका भाई ये बताएगा कि कैसे अपने वीडियो के अंदर म्यूजिक को ऐड करेंगे और साथ ही गाइज कैसे आप ब्लर इफेक्ट को अपने वीडियो के अंदर ऐड करेंगे, सारी जानकारी आपका भाई देने वाला है। तो ऐसे पकड़ के आगे आइएगा, म्यूजिक वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग को सिंपल से क्या करना, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप लोग को क्या करना होगा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो फॉर्म वीडियो वाले आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो यहाँ से म्यूजिक को आप ले लीजिएगा और लेने के बाद राइट क्लिक कर दीजिएगा और अगेन आप राइट क्लिक कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद ना
आपके वीडियो के अंदर ये म्यूजिक ऐड हो जाएगा। तो सिंपल से गाइज आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, ऊपर साइड में ना सेव वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और जिस भी रेशियो में आप अपनी वीडियो को सेव करना चाहते हैं यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव वाले आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को सेव कर लेता हूँ और हो जाने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि ब्लर इफेक्ट आप कैसे ऐड करेंगे। तो लीजिए वीडियो हम लोग का सेव हो चुका है। ब्लर इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपल से हम लोग वीटा ऐप को यहाँ से ओपन कर लेंगे और ओपन कर लेने के बाद इसे भी आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के आइकन पे क्लिक कर देंगे और जिस वीडियो को अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया उसे हम लोग ऐसे सेलेक्ट करके और नीचे साइड में यहाँ पे तीर के आइकन पे क्लिक कर देंगे और कर लेने के बाद थोड़ा सा लोडिंग होगा और होने के बाद वीटा ऐप के टाइमलाइन पे हम लोग का वीडियो आ जाएगा और नीचे साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो सिंपल से आप लोग इफेक्ट के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट वाले आइकन पे अगेन क्लिक कर दीजिएगा और ऐसे आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग के सामने एक ब्लिंक का आइकन मिलेगा, तो ब्लिंक वाले पे आ जाइएगा और यहाँ पे आप लोग को ये वाला सिलेक्ट कर लेना होगा हालो ब्लर, और इसे कर लेने के बाद राइट क्लिक कर लेना होगा और देख सकते हम लोग का कंप्लीट वीडियो यहाँ पे एडिट होकर आ चुका है जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो आप लोग को क्या करना होगा, ऊपर साइड में एक्सपोर्ट के आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को सेव कर लेना होगा अपनी गैलरी के अंदर। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो तब तक ले टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।